सारंगनाथ वास्तव में सती माता के बड़े भाई थे, दक्ष जो राजा थे उनके पुत्र थे, बड़े भाई थे और बहुत बड़े तपस्वी थे। तो जब माता सती और भगवान शिव के विवाह की बात चल रही थी तो तपस्या में लीन थे, इसलिए वो किसी भी कारण से वहां पर पहुंच नहीं सके। तो अंत में क्या हुआ कि जब उन्हें पता चला कि सती माता का विवाह हो चुका है भगवान शिव से, तो पहले तो बहुत प्रसन्न हो गए, फिर वर के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। तो भगवान शिव के जब बारी स्वरूप का वर्णन मिला उनको तो बड़े दुखी हो गए कि भाई मेरी जो बहन है वो तो राज परिवार से है, किसी भी प्रकार के इसको कोई कष्ट नहीं रहा है, लेकिन वह उस व्यक्ति के साथ पूरा जीवन कैसे बिता सकती है जिसके पास रहने को न घर है, न वस्त्र है और न कोई संसाधन है, दूर पर्वतों के पास उनका निवास है। यह जो है उनके अंदर राज परिवार का होने का एक अहंकार व्यक्ति के अंदर जो होता है, उस अहंकार के फल स्वरूप उन्होंने भगवान शिव के बाहरी स्वरूप को ही देख करके उसी के आधार पर उनके चरित्र का अनुमान लगा लिया और स्वयं को सबल माना, मैं बलिष्ठ हूं। बलिष्ठ का मतलब शारीरिक ताकत से नहीं है, यहाँ पे सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, जिस भी दृष्टिकोण से आते हैं, तो वह उसके अंदर उनके अंदर अहंकार की उत्पत्ति किया। फिर उनके मन में आया कि चलो बहन को कुछ दे देते हैं जीवन के लिए उपयोगी जो सामग्री है वो देने के लिए, वो चल दिए, बहुत सारा सामान लेकर के चल दिए। तो रास्ते में ये काशी नगरी पड़ी, वही जहां पर सारनाथ मंदिर है, तो उस जगह पे पहुंचते पहुंचते उन्हें बहुत थकान हो गई, क्योंकि तो कई दिनों का सफर था, अब इतने थक गए थे कि अब उनसे चला नहीं जा रहा था, वे थोड़ा देर विश्राम कर लेते हैं। विश्राम करने के लिए लेकर नींद आ गई, नींद आते ही नींद में उन्हें स्वप्न आया, स्वप्न में उन्होंने काशी नगरी का वैभव देखा। ये तो बहुत सारे माणिक और रत्न लेकर के चले थे, लेकिन जो स्वप्न में उन्हें जिस प्रकार की समृद्धि के दर्शन हुए, शिव जी का जो स्वरूप दिखाई दिया, वो चंबित हो गए। सामान्य पुरुष तो थे नहीं, उनके तपस्वी थे, साधु थे, तो उनको समझ में आया कि भाई ये मेरा स्वप्न जो है मिथ्या नहीं हो सकता, इसके पीछे का रहस्य क्या है, यह जानने के लिए उन्होंने वही तप करना शुरू किया। उस तपस्या के बाद उनको शिव जी का स्वरूप समझ में आया और भगवान शिव प्रकट हुए, प्रकट होने के बाद उन्हें दर्शन मिला और वो चरणों में गिरे कि भगवान मैं अहंकार और शाप के स्वरूप को समझ नहीं पाया और मैं अब आपकी शरण में हूं। तो उस स्थान पर इसी कथा के बाद स्वयं भू दो शिवलिंग स्थापित हुए। जब आप कभी वहां मंदिर जाएंगे तो आगे एक छोटा सा शिवलिंग है, थोड़ा नाटा, और उसके पीछे वाला बड़ा है, तो जो नाटे वाले हैं वो सारंगनाथ हैं और उनके साथ भगवान शिव जी। तो वो संसार का एकमात्र मंदिर है जहाँ शिव जी अपने साले साहब के साथ विराजे हैं और यही मंदिर सारंगनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा। अब देखिए, ये तो एक कथा है, लेकिन इसके पीछे दृष्टि क्या है वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि कथा तो हो जाती है, आस्था के अनेक मंदिर, आस्था ही नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से भी बने अनेक स्थल क्यों स्थापित होते हैं वह जानना आवश्यक है, ताकि वे युग युगांतर तक लोगों का मार्गदर्शन कर सके, पीढ़ी उनसे क्या सीख सकती है यह महत्वपूर्ण है। वहां जाकर के केवल आस्था के माध्यम से केवल फूल अगरबत्ती चढ़ाना यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि जब व्यक्ति सामने वाले का स्वरूप समझे बिना मिथ्या अहंकार से ग्रसित होकर के जब दूसरे को बलहीन आता है, कमजोर आता है, और फिर अपने अहंकार की तृप्ति के लिए जब वो जीवन की यात्रा कर रहा होता है, जो अहंकार कह लें या मोह कह लें, भ्रम कह लें, ये सब भ्रम ही है, तो उसकी यात्रा बस चलती चली जाती है, जैसे कि उनकी मिलों की यात्रा रही, वो
और इस यात्रा में थकान के अलावा कुछ नहीं मिलता, एक नए दिन जीवन समाप्त हो जाता है उसी में। लेकिन यहाँ एक नींद बड़ी विचित्र बात है। हमारे मांडूक्य उपनिषद में नींद की बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है कि नींद मैं धनी हूं, मेरा परिवार है, बच्चे हैं, बीवी है, बहुत सारी चीजें जो व्यक्ति के जीवन में जागृत अवस्था में रहती है, नाम है, बहुत कुछ है, लेकिन नींद एकमात्र ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति इन सारी चीजों से मुक्त होता है, पूरी तरह मुक्त होता है। नींद में मुझे पता नहीं कि मैं कितना पैसे वाला हूँ, कितने लोगों से मैंने उधार ले रखे हैं, कितने लोगों को मुझे उधार देना है, कुछ भी नहीं पता होता। हम अचेतन अवस्था में हमें पता नहीं होता, लेकिन वास्तव में हम अपने पूरे स्वरूप के साथ होते हैं और अपने पूरे स्वरूप के साथ अचेतन अवस्था में होने का परिणाम देखिए कि कितनी भी बड़ी से बड़ी थकान हो, नींद से उठने के बाद हम थकान से पूरी तरह मुक्त होते हैं। चेतन अवस्था में उसी आनंद को प्राप्त करना, सहर मोह से परे हो जाना, यह कहलाता है व्यक्ति के जीवन में समाधि की अवस्था। समाधि की अवस्था में व्यक्ति जागृत अवस्था में भी उस चीज को महसूस कर सकता है। एक बार मैंने भी एक छोटा सा प्रयोग किया था, लेख भी उसके लिए लिखा था, तो बड़ा ही सफल प्रयोग था। हालांकि बहुत कम समय के लिए वो अनुभव हुआ था, बट अलौकिक अनुभव था, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो यही नींद की अवस्था में उन्हें अपने स्वरूप के दर्शन हुए। नींद का सांकेतिक अर्थ लीजिए, वास्तव में इन बाहरी नेत्रों को बंद करके अपने आप का स्वरूप यदि देखें तो फिर हमें सत्य के दर्शन हो जाते हैं। और जब वो नींद से उठे और अपना आकलन किए, तब उनकी जो दिशा थी वो बिल्कुल उपयुक्त दिशा थी, अब यात्रा दिशाहीन नहीं थी। यही कारण था कि तब के तुरंत बाद, यानी कि हमारे जीवन का जो भी लक्ष्य हो उस पर हमने चल दिया निष्ठापूर्वक, तपस्या के साथ उसमें हम आगे चल दिए, तो बिना थकान के हमें वह लक्ष्य मिल जाता है जो सारंगनाथ जी को भगवान शिव की तपस्या के रूप में मिला। और उसका परिणाम देखिए कि आस्था का वह प्रमाण आज भी हमारे बीच में जीवित है। युग युगांतर तक इन कहानियों पर मनन करना आवश्यक है, क्योंकि यह केवल कहानियां नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार है, हमारे जीवन हमारे अपने संस्कारों का आधार है। भगवान श्री राम की कथा केवल एक कथा नहीं है, भगवान श्री कृष्ण की कथा केवल कथा नहीं है, ये सामाजिक आदर्श ऐसे ही केवल नहीं बने हैं, यह सिद्धांत है। और अनेक लोगों ने इनकी व्याख्या की है, अनेक रचनाकारों ने अपनी क्षमता के अनुसार उसको बार बार कहा है। जिसकी जैसी बुद्धि उसने उस हिसाब से उसकी व्याख्या की, और जिसकी जिसकी जैसी बुद्धि उस के अनुसार उसने ग्रहण किया। लेकिन इन कहानियों की बार बार व्याख्याएं कैसे होती हैं, हर बार सामाजिक दृष्टि के अनुकूल। जो भगवान का चरित्र है वो सार्वभौमिक सत्य है, लेकिन उससे जो मार्ग निकल करके जो हर पीढ़ी को जो सहयोग दे रहा है या रास्ता दिखा रहा है, मार्ग दिखा रहा है, उस मार्ग का दिखाया जाना जो उस रचनाकार की दक्षता के ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए इन कहानियों की बार बार रचना की जाती है, बार बार इन कहानियों की अलग अलग तरीके से सामाजिक परिदृश्य के आधार पर व्याख्या